आपका मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज हम क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल किंगडम में आगे बढ़ेंगे और आपको हम बताएंगे फाइलम पोलीफेरा। फाइलम पोलीफेरा है ना, देखिए पोलीफेरा मीन्स होता है फॉर रियरिंग एनिमल्स, ऐसे जंतु जिनके शरीर पर कोष छिद्रित शरीर वाले जंतुओं को संग पोलीफेरा में रखा गया है। पोलीफेरा फाइलम रॉबर्ट ग्रांट ने दिया था। ये मैं सारे सारे फीचर्स बता रहा हूँ जो कि आपके लिए महत्वपूर्ण है, एग्जाम की दृष्टि से, परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक में बता रहा हूँ। इस संघ के सभी जंतु एक्वेटिक होते हैं, जलीय होते हैं, जल में पाए जाते हैं। ये बॉडी इनकी डिप्लोब्लास्टिक डिप्लोब्लास्टिक सिमेट्री होती है, रेडियल होते हैं। इनका जो शरीर होता है उस पर ये मैंने बताया था कि पोर कैसे, ये मैं यहाँ पर एक साइकॉन दिखा रहा हूँ, इस तरह से एक छिद्र हो गया, दूसरा छिद्र और होता है, ये इस तरह से आस्कुलम और दूसरा आस्टियम। ये दो महत्वपूर्ण क्षेत्र होते हैं इस संघ के जंतुओं में। ठीक, अब मैं आगे बात करूंगा कि ये सबस्ट्रेट से चिपके हुए या कॉलोनियों में पाए जाते हैं, फ्री फ्लोटिंग करते हुए या कॉलोनियल होते हैं, और ये किसी सबस्ट्रेट आधार से चिपके हुए भी पाए जाते हैं। इस संघ के जंतुओं का सेल्युलर ऑर्गेनाइजेशन होता है, कोशिकाओं में संविभाजन नहीं पाया जाता। आगे हम बढ़ेंगे, बॉडी की बात करेंगे, इनके शरीर की बात करेंगे। इनकी बॉडी में स्पंजियोसील गुहा पाई जाती है, स्पंजियोसील पाया जाता है, और इसी स्पंज गुहा को एट्रियम भी बोलते हैं। एट्रियम, ये आपका क्वेश्चन नीट का है, एट्रियम। ठीक है, आगे हम भी बढ़ रहे हैं। इसमें देखिए, इस संघ के जो भी जंतु हैं उनमें कैनाल सिस्टम पाया जाता है, जो कि तीन प्रकार का, एस्कॉन्टाइन, ल्यूकॉन्टाइन और साइकॉन्टाइन। ये कैनाल सिस्टम होता क्यों है? रिस्पिरेशन बाय वाटर, एक्सक्रीशन बाय वाटर एंड फीडिंग मैकेनिज्म, फीडिंग बाय वाटर। ये जल के माध्यम से ये सारी प्रोसेस होती हैं, सारी प्रक्रियाएं होती हैं, इसके लिए इनमें कैनाल सिस्टम पाया जाता है। एक बात और हम करेंगे, इनका जो स्किन होता है डर्मल लेयर बहुत इंपॉर्टेंट है, डर्मल लेयर, इनका जो डर्मल लेयर है वो पिनेकोसाइट्स सेल्स का बना हुआ, पिनेकोसाइट्स सेल्स का बना हुआ होता है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, पिनेकोसाइट नीट। ठीक है, अभी हम और आगे बढ़ेंगे, स्केलेटन सिस्टम की बात करेंगे इनमें। अच्छा, एक बात और ध्यान देंगे, इनमें कीट कोशिकाएं पोलियोसाइट सेल्स भी पाई जाती हैं,
की कोशिकाएं क्वेनोसाइट्स बोलते हैं। की कोशिकाओं क्या बोलते हैं? क्वेनोसाइट्स बोलते हैं ना। क्वेनोसाइट सेल्स भी पाई जाती है। ठीक, अभी आगे बढ़ेंगे हम। क्वेनोसाइट सेल्स के बाद हम बात करेंगे स्केलेटन सिस्टम की। इनका जो स्केलेटन सिस्टम है, कंकाल तंत्र है, कंकाल तंत्र स्पाइंस का बना होता है, कंटिकाओं का स्पाइंस का बना हुआ होता है, इस या इसी को स्पंजिन फाइबर भी बोलते हैं। स्पंजिन फाइबर का बना हुआ कंकाल तंत्र पाया जाता है। आगे बढ़ेंगे हम। नेक्स्ट जो हमारा महत्वपूर्ण भाग है इसमें जनन, रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन एसेक्सुअल और सेक्सुअल दोनों तरह का होता है। इनमें रीजनरेशन भी पाया जाता है और गैमेट्स द्वारा अलैंगिक जनन होता है। ये इम्पोर्टेंट है, गैमेट्स द्वारा अलैंगिक जनन की क्रिया होती है। आगे हम बात करेंगे थोड़ा सा इनमें जनन के बाद जो लार्वा बनता है, लार्वा स्टेज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है, लैंगिक जनन पाया जाता है। ये हर्माफ्रोडाइट उभयलिंगी होते हैं और इनमें गोनेड्स अब्सेंट होता है। गोनेड्स क्या होता है? अब्सेंट होता है। इस संघ के जो जंतु हैं इनके लार्वा को देखिए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका लार्वा पूछा जाता है कि लार्वा का नाम क्या है ना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके लार्वा को एम्फीब्लास्टुला या पैरेन्काइमुला कहते हैं। एम्फीब्लास्टुला या पैरेन्काइमुला कहते हैं, पैरेन्काइमुला। अंडरस्टैंड, ये ओरिफेरस अंग के सामान्य लक्षण थे। मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी को समझ में आया हुआ होगा। इस टॉपिक को पूरा आप देखेंगे, जिसको जो भी समस्या होगी कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करेंगे, मैं अगले वीडियो में उसको दूर करने की कोशिश करूँगा। धन्यवाद। और जो बच्चे हमारा इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें वो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। थैंक यू।